बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्किल प्रोग्राम सीजन 1 एपिसोड 1 में मैं हूं आपका होस्ट मुर्तजा शाहिद और मेरे साथ हैं अनीसा ताहिरा। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है आपका अखलाक, आदाब, रवैया और तौर तरीके या चाल चलन। रोजमर्रा जिंदगी में हम बेशुमार काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन हर काम खुश असलूबी से सर अंजाम देना एक आर्ट है जो दूसरे लोगों यानी मुआशरे पर एक अच्छा तासुर छोड़ता है। आज के इस मौजू में हम कुछ इंतहाई अहम और आसान एटिकेट्स, बिहेवियर्स, मैनर्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, आपको हर लम्हा अच्छे आदाब सीखने चाहिए, चाहे आप घर, दफ्तर या दोस्तों के साथ हों। हमारे यहाँ बचपन से ही बच्चे को कामयाब बनने के लिए इसे बस आगे बढ़ने की हिदायत की जाती है, लेकिन अगर कारोबारी दुनिया की बात की जाए तो यहाँ मामला कुछ अलग है। कोई भी कंपनी ऐसे शख्स को हायर नहीं करती जो बदतमीज और बद अखलाक हो, और कंपनी यहाँ ये बात का ख्याल नहीं रखती कि आप स्कूल में कितने स्मार्ट थे, क्योंकि कंपनी मुलाजमीन को दूसरे लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आना होता है। इसीलिए कंपनी के मालकान ऐसे लोगों को भर्ती करते हैं जिनके साथ वो खुद को अच्छा महसूस करते हैं। ये मिसाल देने का मकसद हरगिज ये नहीं कि तालीम की मुआशरे में कोई अहमियत नहीं। इल्म के मुतालिक मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगी, इल्म हासिल करें ये जरूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत जरूरी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। तो ख्वातीनों हजरात, अदाब आज के मुआशरे की अहम जरूरत है, क्योंकि अदाब आपको मुआशरे में पसंदीदा बनाते हैं, किसी के साथ ताल्लुक कायम करने में अपना किरदार अदा करते हैं और कामयाबी की तरफ आपकी रहनुमाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दस्तरखान के अदाब पर। याद रखें, दस्तरखान पर जब भी बैठे ठीक तरीके से और कुर्सी पर बिल्कुल सीधा होकर बैठे, दूसरों से अच्छी चीजों के बारे में बातचीत करें, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोएं और बिस्मिल्लाह पढ़कर नैपकिन अपनी गोद में रखें। सबका दस्तरखान पर आ जाने का इंतजार करें, जब सब बैठ जाएं फिर खाना शुरू करें। अगर किसी नई डिश के बारे में कंफ्यूज हैं तो दूसरों से इसके बारे में पूछ लें। अगर कोई डिश दस्तरखान पर आपसे दूर पड़ी है तो खुद आगे झुककर ना उठाएं, बल्कि जो इसके पास बैठा हो इसे कहें कि वो आपको पकड़ा दे। हमेशा मुंह बंद करके खाएं, दस्तरखान देखकर अपनी प्लेट भरें। जब मुंह में नवाला हो तो बात करने से गुरेज करें। गोश्त को काटने के लिए छुरी या कांटे का इस्तेमाल करें। डकार आने की सूरत में एक्सक्यूज मी या आई एम सॉरी बोलें। अगर आप खाना पेट भर के खा चुके हैं या नहीं खाना चाहते तो नो थैंक यू बोलें। दस्तरखान छोड़ने से पहले मैं आए प्लीज बी एक्सक्यूज बोलें। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और मेजबान का शुक्रिया अदा करें। दस्तरखान पे बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें उतना ही खाना दें जितना वो खा सके। खाने की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और घर में जो भी बना हो वो खा लें। खाने की मेज पर फोन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। खाने की मेज पर शायस्ता मुहज्जब गुफ्तगू करें और गुफ्तगू का मौजू ऐसा होना चाहिए जो आपके बच्चों की शख्सियत को निखारे। खाना जाया मत करें और उतना खाना डालें जितना आप खा सकते हैं। टेलीफोन पर बात करने के आदाब के हवाले से आपको बताएं कि दफ्तर या घर में टेलीफोन पर बात करने के आदाब बहुत अहमियत के हामिल हैं। याद रखिए, जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अल्फाजी गुफ्तगु होती है, ताहम ठीक और जरूरी अल्फाज का चुनाव दूसरे शख्स पर आपका अच्छा तासुर बना सकता है। प्रोफेशनल मैनर्स, अच्छे अदाब और अखलाक का होना ना सिर्फ आपके दोस्तों, रिश्तेदारों बल्कि आपके दफ्तर के माहौल और कोवर्कर्स पर भी बहुत अच्छे तासुर छोड़ते हैं। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो हैं तो आम लेकिन आपकी शख्सियत को बहुत अहम बना सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन पर अच्छे से बात करना, जैसे पहले बताया जा चुका है, एक्सक्यूज मी और प्लीज का आम इस्तेमाल, किसी भी नए शख्स से मुलाकात पर मुसाफिया करना और खुद का तारुफ करवाना। जब किसी से मुसाफिया करें तो ज्यादा देर तक इसका हाथ ना थामे रखें। जब किसी से बात करें तो अपने आई कॉन्टेक्ट को बेहतर बनाएं। आई कॉन्टेक्ट का बेहतर होना दूसरे पर यह तासुर छोड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और बात करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। लोगों की बात तवज्जो से सुनना जब वो बोल रहे हो, साफ सुथरा बनकर रहना। बातचीत के आदाब, जैसे कि हम जानते हैं कि बातचीत से आपकी अच्छी या बुरी शख्सियत जाहिर हो जाती है, यानी आपके अल्फाज साफ और मीठे, आवाज धीमी और बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। याद रखें, कभी भी किसी के राज को फाश ना करें। गुस्से में दूसरे शख्स की बात सुने बगैर उस पर चीखना ना शुरू कर दें। दूसरों को अपनी बातों से अजियत दिए बगैर वो बोले जो आप महसूस कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं। आए मैं आपको चंद मैजिकल वर्ड्स बताता हूँ। हमेशा थैंक यू, प्लीज, मे आई, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी बोले।
किसी के राज फाश ना करें, जिस्मानी इशारों को बेहतर बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाकर रखें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनें, सॉरी बोलें, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। जब किसी से बातचीत करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके मुंह से बदबू ना आ रही हो। जिस्मानी सफाई का खास ख्याल रखें और परफ्यूम या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। लाइफ स्किल प्रोग्राम की ढेर सारी अच्छी बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।